क्लास सेवन का साइंस का चैप्टर करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से फूड लेने का तरीका है बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। मेनली लिविंग बींग्स कैसे फूड लेते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज लिविंग बींग्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यू नो प्लांट्स ही बना सकते हैं अपना खाना, सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ज़रूरी है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए, अपना खाना जो खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स को खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स खाना बनाते हैं, और ये प्लांट्स ही फूड चेन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि खाना इनके पास बनता है, वो ही पास ऑन होता है आगे हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स। इस तरह से फूड चेन, फूड वेब इसी तरह चलते हैं। अदर मोड्स क्या हैं हेटरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, एक तो पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कसकुटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं, येलो कलर का ट्यूब जैसा पौधा होता है, वो किसी भी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और फिर न्यूट्रिशन उसी ट्री से लेता है। छोटे छोटे उसके ऐसे थॉर्न जैसे होते हैं जो कि ट्री के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर से प्लांट में से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना, दिस इज पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स को मतलब इंसेक्ट बैठा उसके अंदर, जैसे पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप है, ये इंसेक्ट्स को अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं। वो एक टाइप का प्लांट में न्यूट्रिशन का तरीका है। उसके अलावा है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक जो फंगस में या मशरूम में, मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंगस, तो मशरूम जिस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेता है, किसी भी पुरानी डिकेइंग वुड वगैरह के ऊपर उग जाता है, और उसका मेथड क्या होता है कि एक डाइजेस्टिव जूसेस वो छोड़ते हैं जिस मटीरियल के ऊपर वो उग रहे होते हैं, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस बाहर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उन जूसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज सेप्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद चैप्टर के एंड में बताया है कि न्यूट्रिशंस किस तरह से रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में। सॉइल से प्लांट ने न्यूट्रिशन लिए, वो न्यूट्रिएंट्स गए एनिमल्स के अंदर, एनिमल एक्सक्रीटा या एनिमल वेस्ट जब उनकी डेड बॉडीज मिक्स हो जाती हैं सॉइल के अंदर माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा, तो दोबारा से ये चीज़ें सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं। इसको करते हैं हम चैप्टर से। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस क्लास सेवन। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिक्स में हमने पढ़ा ही था कि फूड जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। और ये सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट मेनली। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग बींग्स को फूड चाहिए होता है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैनॉट। ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। डायरेक्टली या तो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट में कि उन्हें खाना सीधे प्लांट से मिलता है, जैसे गोट को, रैबिट को, या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, जैसे लायन खाता है डियर को, डियर खाता है प्लांट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी एनिमल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से वो खाना लेते हैं?
Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही अकेले ऐसे organisms हैं जो बना सकते हैं खाना अपने लिए use करके water, carbon dioxide और minerals को. The raw material are present in their surroundings. ये वाले raw materials जैसे water, carbon dioxide, minerals ये इनके surrounding में आसानी से इन्हें मिल जाते हैं. The nutrients enable living organism to build their bodies. Nutrients से क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज बनती हैं टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स इन देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ग्रो करने के लिए डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी ताकि वो लाइफ प्रोसेसेस करें. जैसे चलने फिरने के लिए इवन ब्रीदिंग के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है. हार्ट चल रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन जो है मोड है तरीका है कि फूड किस तरह से ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय देयर बॉडी और वो किस तरह से बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं. ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ नरिशमेंट, अपना नरिशमेंट अपने आप. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसलिए प्लांट्स को हमने नाम दिया है ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. और एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सारा तैयार किया हुआ खाना लेते हैं जो प्लांट्स ने बनाया होता है. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. इसलिए उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेट्रोस मतलब अदर. तो अदर थिंग के ऊपर जो डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. इसमें है बुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. और पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू. कि ये सारी चीजें अवेलेबल तो हैं तो सिर्फ प्लांट्स ही क्यों बना पाते हैं. ये हम प्रोसेस देखेंगे फोटोसिंथेसिस का क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल भी है जो सनलाइट को यूटिलाइज कर पाता है और उसके पास एक प्रोसेस है जिससे वो खाना बना सकता है. नाउ वी मे आस्क वेदर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट की है कहाँ पे, किस जगह पे खाना बनता है. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स. क्या सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में खाना बन सकता है या कोई सर्टेन पार्ट्स हैं. How do plants obtain the raw material from the surroundings? और raw material उन्हें surroundings से कैसे मिलता है? How do they transport them to the food factories of the plant? और किस तरह से वो food factories में पहुंचाते हैं इस raw material को? Photosynthesis, food making process in plants. अब इस photosynthesis जो food making process है plant में उसको हम अच्छे से समझते हैं. Leaves are the food factories of plant. लीव्स वो जगह है जहां पे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. जो ये सिंथेसिस है फूड को एक्सट्रैक्ट कर लेना बना लेना ये कहाँ पर होता है, लीव्स के अंदर. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. तो सारा रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब वहां पहुंचना चाहिए लीव्स में. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स. वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स और उसको लीव्स तक पहुंचा देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं बहुत छोटे जो सर्फेस ऑफ लीव्स में होते हैं. वो लीव की अंडर साइड जो ऑपोजिट उल्टी साइड होती है उसके अंदर अगर देखो तो माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे जाएंगे. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल. इन पोर्स के दोनों साइड पे गार्ड सेल्स होते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स इन विच रन like pipe throughout the root. Water और minerals जो हैं वो transport करके leaves तक पहुंचते हैं. कुछ vessels होती हैं जैसे हमारे पास blood vessels होती हैं उस तरह से vessels होते हैं जिसमें pipe की तरह पानी जाता है nutrients को लेके roots से.
the स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स, और स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में, ऐसे करके ये सारी वेसल्स पहुंची हुई होती हैं. रूट से पूरा रास्ता बना होता है लीव्स तक पानी पहुंचने का. दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ, ये वेसल्स जो हैं कंटिन्यूअस पाथ बना देती हैं और पैसेज, पूरा रास्ता फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, ताकि न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ लीफ में पहुंच जाए. यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे. बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स, है ना. इसी का आंसर है ये कि किस तरह से लीव्स में पहुंचते हैं. एक वेसल का सिस्टम होता है जिनके थ्रू पाइप जैसा सिस्टम होता है, रूट लेती हैं ब्रांचेस और स्टेम के अंदर, वो पाइप्स की तरह चल के पानी पहुंचता है लीव्स तक. पहेली वॉन्ट्स टू नो वॉट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, कि कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर है हमारे पास लीफ के अंदर जिससे वही वहां पे खाना बना पाती हैं. तो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इसका आंसर ये है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. इस क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये कैप्चर कर लेता है एनर्जी जो सनलाइट में होती है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. यही एनर्जी इस्तेमाल होती है फूड को सिंथेसाइज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से निकालने में. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सिंथेसिस ऑफ फूड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, लाइट के साथ कंबाइन होके फूड क्रिएट किया, बना दिया. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out process of photosynthesis. इसलिए क्या-क्या चीजें जरूरत है photosynthesis के लिए? Sunlight, carbon dioxide, water और chlorophyll. It is a unique process on earth. एक unique process है earth में. इसका कोई मतलब इस जैसा match नहीं है. The solar energy is captured by leaves and stored in plant in form of food. Solar energy leaves ले लेती हैं और फिर उसको फूड में कन्वर्ट करके उसको प्लांट के अंदर स्टोर कर लेते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस तरह से हम कह सकते हैं इसलिए सनलाइट ही जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले जहां फूड सिंथेसाइज हुआ उसका कारण ही सनलाइट है. कैन यू इमेजिन द अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ना हो तो अर्थ को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं. In absence of photosynthesis, there would be not be any plants. Photosynthesis ke absence mein plants ho hi nahi sakte. The survival of almost all living organism directly or indirectly depend upon the food made by plants. Aur survival jo hai rehna living organism ka directly ya indirectly depend karta hai isi food pe jo ki plants banate hain. Besides, iske alawa oxygen which is essential for survival of all living organism is produced during photosynthesis. और जो ऑक्सीजन जरूरी होती है हर एक के सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग चाहिए होता है, वो भी प्रोड्यूस होती है इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान. इसमें एक ये रह गया, सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से बनी होती है. उसी तरह से बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज जो होती हैं वो छोटी छोटी यूनिट से बनी होती हैं, उन्हें सेल्स बोलते हैं. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. ये सेल हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकती है. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं, एक ही सेल से. द सेल इज एनक्लोज बाय थिन आउटर बाउंड्री. सेल जो है वो एक थिन आउटर बाउंड्री के अंदर बंद होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. अधिकतर सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सा अलग दिखाई देने वाला सेंट्रली लोकेटेड बीच में लोकेटेड एक गोल सी चीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ये सेल के बीच में न्यूक्लियस, इसमें पिक में भी दिखा रखा है. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. और nucleus के चारों ओर जो
जेली लाइक चीज भरी हुई होती है सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन आउटर एक थिन कवरिंग है सेल की, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में न्यूक्लियस है। ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसको आगे हम फर्दर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के अलावा जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस अकर करता है, क्योंकि ग्रीन मींस क्लोरोफिल की प्रेजेंस। जैसे कुछ प्लांट्स में आप देखोगे ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, तो सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, जितनी ग्रीन ब्रांचेस ग्रीन स्टेम है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। डेजर्ट के प्लांट्स जो होते हैं कैक्टस, उसमें क्या होता है कि लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई होती हैं, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो, तो लीव्स की जगह उनमें कांटे होते हैं। तो अब उस थॉर्न के अंदर तो होगा नहीं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, वाटर नहीं है उसके अंदर। तो टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ये थॉर्न्स में क्यों कन्वर्टेड होती है लीव्स, ताकि ट्रांसपिरेशन से पानी लूज ना हो। तो दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम, इनकी कैक्टस की देखे होगी ग्रीन कलर की स्टेम होती है, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। दैट मीन्स ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। उन प्लांट्स में जहां पे लीव्स की जगह थॉर्न होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में कैक्टस में, उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के अंदर प्रोसेस पूरा होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होती हैं लीव्स की, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सिंथेसाइज करती हैं, बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन की तरह हम दिखा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है सेक्शन ऑफ थ्रू लीफ, लीफ का सेक्शन दिखा रखा है। क्लोरोफिल ये ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स हैं, ये ओपनिंग है छोटी सी जो पोर्स हैं लीफ के अंडर साइड में, इसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा, इनको पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, और ये दोनों साइड जो इसको बंद करने के लिए सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं। और अगर इसे और पास से माइक्रोस्कोप से देखें तो ये रहा पोर, जो स्मॉल पोर है इसे स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग हो गई है, और गार्ड सेल ये और ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। फिगर में दिखा रखा है प्लांट क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, वाटर और मिनरल्स रूट की हेल्प से अंदर पहुंचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ का स्टोमेटा ही ले लेता है, ऑक्सीजन रिलीज भी स्टोमेटा से होती है, और लाइट एनर्जी हमें सन से मिलती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बनती है जो कि रिलीज हो जाती है उसी स्टोमेटा से। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इंटू स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंट होना लीव्स में यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। बूजा हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड वायलेट और ब्राउन लीव्स, कुछ प्लांट्स इसने देखे हैं जो डीप रेड कलर के वायलेट कलर के या ब्राउन लीव्स वाले होते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसको पता है कि क्लोरोफिल तो ग्रीन होता है, तो अगर रेड वायलेट या ब्राउन कलर के लीव्स हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं। इसके लिए एक एक्टिविटी करी, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, पॉटेड प्लांट ले लिए सेम काइंड के, कीप वन इन डार्क और इन ब्लैक बॉक्स, एक को ब्लैक बॉक्स में रख दिया सो दैट सनलाइट डू नॉट रीच इट फॉर 72 आवर्स के लिए, एंड अदर इन द
सनलाइट, एक को सनलाइट में रख दिया, दूसरे को रख दिया डार्क बॉक्स में या डार्क रूम में. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास सिक्स. क्लास सिक्स में एक आयोडीन टेस्ट किया था ना, उस तरह से इस पे आयोडीन डाल के टेस्ट किया. अगर ब्लैकिश वो पर्पल ब्लैक सा कलर आ जाता है तो वो दिखाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है. तो रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क. आप वो वाला पॉट लो जिसको डार्क में रखा है. तो डार्क में अगर रखा तो फिर क्या होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, तो उसकी लीव्स जो है वो स्टार्च नहीं शो करेंगी. इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स. आयोडीन टेस्ट फिर से करो 3-4 दिन सनलाइट में रखने के बाद. सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, स्टार्च बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा पहले फोटोसिंथेसिस से, फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि आयोडीन प्रेजेंट, वो स्टार्च प्रेजेंट है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब वो जो क्वेश्चन बूझो का था कि ब्राउन कलर की या रेड कलर की लीव्स हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं, तो जो ग्रीन कलर की नहीं भी होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन और अदर पिगमेंट, उसके अंदर रेड ब्राउन या दूसरे कलर के पिगमेंट ज्यादा होते हैं जो मास्क कर देते हैं ग्रीन कलर को, जैसे छुपा देते हैं ग्रीन कलर को. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड. पॉन्ड्स के अंदर देखा होगा वो स्लाइमी से ग्रीन पैचेस होते हैं, एल्गी बोलते हैं जिन्हें, और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज या रुकी हुई वाटर बॉडीज में बरसात में देखने को मिल जाते हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा. एल्गा के कारण ये पैचेस बन जाते हैं. कैन यू गेस व्हाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर. एल्गा ग्रीन कलर में है तो दैट मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम, दैट मीन्स इट इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव्स देम ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस इसका मतलब ये कर सकते हैं ना, ग्रीन कलर इनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल की वजह से. एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसलिए एल्गा जो है वो अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनाने हैं, प्लांट में तो प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो चीजें बनती है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, वो कैसे बनते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, के प्लांट्स बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. इनको यूज करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए दूसरे कॉम्पोनेंट ऑफ फूड को. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन जो होते हैं जैसे दालों में बीन्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, तो वो तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो बिना नाइट्रोजन के तो बनेगा नहीं. फ्रॉम वेयर टू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन कहाँ से आती है. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर. नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है एयर में बहुत अबंडेंस में, मतलब बहुत सारी प्रेजेंट है. 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन एयर में से नाइट्रोजन को ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट्स. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म. सॉइल के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में ले आते हैं एंड रिलीज इट इनटू सॉइल, और सॉइल में रिलीज कर देते हैं. दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट अलोंग विद वाटर. और ये नाइट्रोजन जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में आ गई वो पानी में मिल जाती है और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स वाटर के साथ साथ. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स. ये भी देखा होगा कि फार्मर जो है फर्टिलाइजर ऐड करते हैं रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. ऐसी फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन में रिच होती है वो सॉइल के अंदर डालते हैं. नाइट्रोजन में रिच होती है मतलब वही वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. इस तरह से प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो पूरी होती है अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. प्लांट्स इसी तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं दूसरे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे
जैसे प्रोटीन या फैट्स। ये जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये जैसे दाल वगैरह के पौधे होते हैं, बीन्स के पौधे होते हैं, इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट नोड्यूल्स, उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, वो नेचर में अपने आप आता है इनकी रूट्स में, और फिर उसके बाद वो नाइट्रोजन एयर में से लेके उसे वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है, जिससे प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिल जाती है नेचुरली। और अगर हम आर्टिफिशियली ऐड करते हैं तो वो तो फर्टिलाइजर के रूप में ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और दूसरे न्यूट्रिशन के तरीके क्या हैं प्लांट्स में। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। क्लोरोफिल के एब्सेंस में सनलाइट यूज नहीं हो सकती, फूड नहीं बन सकता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं और उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स की तरह ये वाले प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये कौन सा मोड यूज करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये ट्यूब ट्यूब जैसे येलो कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अमरबेल या कस्कुटा बोलते हैं। येलो कलर के ये ट्यूब जैसे प्लांट है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता क्योंकि ग्रीन कलर एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो ये कैसे अपना खाना लेता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ट्री के चारों ओर ये लिपट जाते हैं इस तरह के, ये इसके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कुटा। कस्कुटा ये अमरबेल है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, और ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, होस्ट प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ गया होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ गया वो होस्ट है। इस ये जो होस्ट बनाता है अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, उस फूड को रेडीमेड फूड को ये कस्कुटा ले लेता है। सिंस इट डिराइव डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये जो होस्ट है उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो है उनको खींच लेता है, उनको कम कर देता है, होस्ट के लिए कम छोड़ देता है। इट इज कॉल्ड पैरासाइट, इसलिए हम इसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मीन्स जो दूसरों पर डिपेंड करे, वो पैरासाइट है। तो ये अपने होस्ट के ऊपर आकर उससे सारा न्यूट्रिशन लेता है। Obviously, ये वाला ट्री जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर प्लांट्स, क्या हम ये कह सकते हैं हम भी पैरासाइट्स हैं क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं। नहीं, पैरासाइट्स वो हैं जो एक के ऊपर आ गया और उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, तो हम यही बता सकते हैं कि पैरासाइट वो है जो एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। अब दूसरे एनिमल्स हैं जो ग्रास खा रहे हैं, कभी कोई दूसरा प्लांट खा रहे हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं है और उसको डिप्राइव नहीं कर रहे उसके न्यूट्रिशन से। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मस्कीटोज बेडबग्स लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। जो लाइस होती है सिर में रहती है और वहीं से ब्लड सक करती है, लीचेस हैं ब्लड सक करती हैं, बेड बग्स हैं, ये सब भी एक के ऊपर अगर स्टे करती है तो ये पैरासाइट बन जाते हैं और वो जिसके ऊपर रहती है वो होस्ट हो जाता है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या ऐसे प्लांट्स सुने हैं जो एनिमल्स को खा सकते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, डाइजेस्ट देम, उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। Is it not amazing? अजीब सा है ना, क्योंकि ये प्लांट का काम तो नहीं है ना इस तरह से ट्रैप करना और उसको बंद करके और उससे न्यूट्रिशन ले लेना। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं कुछ अलग कलर के भी। अब ग्रीन कलर के हैं दैट मीन्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, देन ऑल्सो इनको इंसेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इंसेक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उनको चाहिए जो कि उन्हें वहां की सोइल से नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जैसे पिचर प्लांट है
पिचर प्लांट में इस तरह का पिचर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक लेड लगी होती है। जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये सेंस कर लेता है और ये कवर इसका बंद हो जाता है, इंसेक्ट अंदर जाता है। ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है जिससे वो इंसेक्ट वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है और उसका जूसेस ये ले लेता है और बाकी उसका वेस्ट जो है ये ढक्कन खुलता है और यहां से निकल जाता है। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये पिचर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो लीफ का ही चेंज्ड वाला पार्ट है। द एपेक्स ऑफ लीफ, जो टॉप है लीफ का, वो लिड बना देता है, फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। वो ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है माउथ ऑफ पिचर। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर, पिचर के अंदर कुछ हेयर भी होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ झुके होते हैं। जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है तो वो अंदर तो जा सकता है, उनपे से स्लिप करके स्लाइड करके अंदर तो पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो ऊपर आना चाहता है तो वही हेयर उसका रास्ता रोक लेते हैं। When the insect lands in the pitcher, जब इस पिचर में इंसेक्ट लैंड कर जाता है, the lid closes, ढक्कन क्लोज हो जाता है, and the trapped insect gets entangled into hair, और जो इंसेक्ट जो ट्रैप हो गया वो फंस जाता है उन हेयर में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर। इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस आ जाते हैं उस पिचर के अंदर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये प्लांट्स जिस सॉइल में उग रहे हैं उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे? हाँ, यही रीजन होता है कि अपना कई बार क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर भी पा रहे हैं, लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही होती है, इसलिए उन्होंने ये वाला इनका चेंज इनके अंदर आया होता है। ये इस तरह से इंसेक्ट से अपना जो न्यूट्रिशन सॉइल नहीं दे पा रही वो ले लेते हैं। बूझो इस कंफ्यूज्ड, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। आई थिंक आंसर आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी कम टू सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स तो देखे ही हैं पैकेट्स। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड। कई बार बरसात के दिनों में अम्ब्रेला जैसे पैचेस उगाते हैं, कोई वुड सड़ी सड़ती हुई पड़ी है तो उसके ऊपर उगाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। किस तरह का न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो न्यूट्रिएंट उन्हें कहाँ से मिलते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। अब ये मशरूम का माउथ तो है नहीं एनिमल्स की तरह। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है तो अपना खाना नहीं बना सकते। एज ए लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है, कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेड का पीस लिया, मॉइस्ट इन इट विद वाटर, थोड़ा सा पानी लगा दिया उसके ऊपर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज। 2-3 डेज के लिए उसे गर्म सी जगह पे छोड़ दिया, मॉइस्चर वाली जगह पे, और अंटिल फ्लफी पैचेस अपियर ऑन देम। 2-3 डेज तक या कम दिन में भी, कभी जल्दी भी अपियर हो सकते हैं वो पैचेस। दीज पैचेस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ये पैचेस किसी भी कलर के हो सकते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्राउन। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिख जाते हैं, जरूरी नहीं है माइक्रोस्कोप से ही दिखे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। नोटबुक में इसकी ऑब्जर्वेशन लिखो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। कॉटन जैसे पतले पतले से थ्रेड्स दिखाई देंगे पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। ये फंगस है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड और डीकेइंग मैटर। जो भी डीके हो रहा था मैटर या डेड मैटर होता है उसके ऊपर ये आ जाते हैं, उग जाते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर सिक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन। और डाइजेस्टिव जूस जहां पे डाला वहां पे एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और उस सॉल्यूशन में से अपने न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है डेड या डिकेइंग मैटर से, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वो प्लांट्स जो इस मेथड को यूज करते हैं, इस मोड को यूज करते हैं न्यूट्रिशन को, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, कई बार अचार पे भी आ जाती है, लेदर पे आ जाती है फंगस, क्लोथ्स पे आ जाती है एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। हॉट ह्यूमिड वेदर में जो ज्यादा लंबे समय तक बाहर रह जाता है उसके ऊपर ये उगाती है। पहले इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसके एक पेयर ऑफ शूज खराब हो गए थे, फंगस ने खराब कर दिया था रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपियर सडनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में आ कहाँ से जाती है। दरअसल फंगस के स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एयर में। स्पोर्स मतलब एक तरह से समझ लो सीड जैसा, बहुत हल्का होता है वो स्पोर्स, वो उड़ते रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ में और सेटल हो जाते हैं जहां पर, अगर वहां पे वार्म्थ और मॉइस्चर मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो बरसात के दिनों में मॉइस्चर भी है, गर्माई भी है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। मोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, के वीट फील्ड जो है ग्रैंडफादर ने बताए थे वो खराब हो गए थे फंगस से। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीज ऑल्सो, फंगस से डिजीज भी हो सकती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। ईस्ट तो ब्रेड में यूज होती है, मशरूम्स वो भी खाए जाते हैं, तो ये यूजफुल है। बट सम फंगाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो डिजीज कॉज करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी। सम फंगाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और कुछ फंगस मेडिसिन में भी यूज होती है। इसका मतलब फंगस हमारे लिए कई जगह पे कोई टाइप की ऐसी होती है जो यूजफुल भी है और कोई टाइप की फंगस हार्मफुल भी होती है। स्किन इन्फेक्शन कई बार फंगस की वजह से होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीजों को खराब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, के फंगस ने क्या क्या चीज खराब करी अगर ध्यान से ना रखा जाए तो, शूज पे, लेदर की चीजों पे, बेल्ट्स वगैरह पे फंगस आके उसे खराब कर देती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, फंगस के स्पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं एयर में जनरली। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वेट और वार्म थिंग्स कंडीशन मिल गई उनको जो चाहिए तो वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इससे हम निकाल सकते हैं ना कि हम कैसे बचा सकते हैं चीजों को स्पॉइल होने से, कैसे बचा सकते हैं। अगर बरसात के दिन है कपड़ों को या शूज को अगर हम धूप लगा दें थोड़ी देर के लिए तो मॉइस्चर हट जाएगा, मॉइस्चर हटेगा तो उसके ऊपर फंगस ग्रो नहीं कर सकती। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है जिसमें एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ फंगस जो होती है रूट्स में रहती है ट्रीज के। ट्रीज प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, फंगस जो है अपना न्यूट्रिएंट्स ट्रीज से ले लेती है एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और फंगस की प्रेजेंस के कारण वहां पे वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो सॉइल में से ट्री उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ आई ना कि ट्रीज जो है, ट्रीज के पास वो फंगस है, फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है सेप्रोट्रॉफिक, कि उसने ट्री के ऊपर छोड़ा अपना डाइजेस्टिव जूसेस, वहां से ले लिया न्यूट्रिशन और उसके बदले वहां पे फंगस की प्रेजेंस के कारण वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है ट्री के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदे वाली चीज है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, ट्री के लिए ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम लाइकन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, इसके अंदर एक क्लोरोफिल वाला पार्टनर है विच इज एन एल्गा, एक एल्गा होती है, और फंगस, फंगस जो कि जो अपना फूड खुद नहीं बनाती बल्कि डिपेंडेंट होती है दूसरे के ऊपर, ये इकट्ठे रहते हैं एक जगह पे, एल्गा और फंगस इकट्ठे रहते हैं उसे हम लाइकन्स बोलते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा, एल्गा को शेल्टर वाटर और मिनरल्स मिलते हैं फंगस से। In return, the alga provides food. Alga क्योंकि chlorophyll contain करता है, food बना सकता है, तो alga से उसको food मिलता है, which it prepares by photosynthesis, जो alga बनाती है
फोटोसिंथेसिस से, यानी एल्गा ने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस से, वो फूड प्रोवाइड कर दिया फंगस को, उसके फंगस ने क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर दिए एल्गा को. तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदे की चीज है. सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल. अब क्या है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, आप घर में तो पॉट्स में गार्डनर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता है, फार्मर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकता है, हम कहते हैं मेन्योर या फर्टिलाइजर से. लेकिन जैसे इसमें फॉरेस्ट में तो अपने आप ही रिप्लेनिश होता रहता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस आते रहते हैं. वो किस तरह से आते हैं, मतलब नेचर वापस रिप्लेनिश कैसे करती है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड, फार्मर को देखा है मेन्योर और फर्टिलाइजर फैलाते हुए फील्ड में, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, गार्डनर उनको लॉन्स या पॉट्स में डाल रहा होता है. डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू सॉइल, सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है, ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बार बार ले लेते हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए, ताकि वापस आ जाए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, इसलिए मेन्योर या फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो इसलिए अमाउंट जो होता है न्यूट्रिएंट्स का वो कम होता जाता है. फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस एटसेट्रा, जो प्लांट को चाहिए होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, इन न्यूट्रिएंट्स को हमें ऐड करना होता है टाइम टू टाइम, ताकि सॉइल एनरिच हो जाए. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plants. हम grow कर सकते हैं plants को, उन्हें healthy रख सकते हैं, अगर हमें पता हो कि कौन से nutrients उनको चाहिए. Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins. Crops को nitrogen चाहिए होती है protein बनाने के लिए. After the harvest, harvest के बाद जब फसल की कटाई हो गई, crops काट ली गई, the soil becomes deficient in nitrogen. Nitrogen कम हो जाती है क्योंकि उससे पहले जो क्रॉप उगी है उसने सारी नाइट्रोजन ले ली है. दो नाइट्रोजन गैसेस अवेलेबल इन प्लांट एंड एयर, ये पहले भी बता चुके हैं, नाइट्रोजन गैस तो बहुत सारी है एयर में, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स उसको नाइट्रोजन को उस तरह से यूज नहीं कर सकते जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से लेके यूज कर लेते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन उन्हें वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, अब जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, वो एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकता है एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, और उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ये जो लेग्यूम्स होते हैं दालों वाले प्लांट्स होते हैं, ग्राम मटर मूंग बीन्स, इनके अंदर ये रूट्स में रहता है एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जितनी दाल्स होती हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, वो सारी लेग्यूमिनस प्लांट से आती हैं. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट जो है वो उस बैक्टीरिया को क्या दे रहा होता है, फूड और शेल्टर. तो हो गई ना ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स उसे शेल्टर और फूड दे रहे हैं, और राइजोबियम क्या कर रहा है, एयर में से नाइट्रोजन लेके उसे वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर रहा है, जिसको प्लांट रूट्स के थ्रू लेकर प्रोटीन बनाने के काम में ला सकता है. दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है फार्मर्स के लिए. दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, उनको ऐड नहीं करनी पड़ती नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स उग रहे होते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जरूर ही प्रेजेंट होता है, और वो उस सॉइल को रिच बना देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इस चैप्टर हमने देखा कि अधिकतर प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक, कुछ ही प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं.
ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉफ्स, सारे एनिमल्स को हमने कैटेगराइज कर रखा है हेटरोट्रॉफ्स में, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए. कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स है, थोड़ा सा अपने आप बना लेते हैं और थोड़ा सा डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, तो पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स उन्हें हम कह सकते हैं. नाउ आई थिंक द चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू. व्हाट यू हैव लर्न्ड, दिस इज गिवन इन दिस बॉक्स, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली एंड देन डू द एक्सरसाइजेस. थैंक यू.